पावर बीआई, तो हम पावर बीआई पे बातचीत कर रहे हैं, और पावर बीआई पे हमने आपको बताया कि हम एक एक्सट्रैक्टिव रिपोर्ट बहुत ही कम टाइम में बना लेते हैं। तो कैसे? तो चलिए आपको हम बहुत ही कम टाइम में एक एट्रैक्टिव रिपोर्ट आपको बना के बताते हैं। सबसे पहले हम डेटा लेते हैं, डेटा पड़ा है मेरे एक्सेल सीट पे, तो हम यहाँ डायरेक्टली इस पे क्लिक कर दें या फिर हम एक्सेल इससे भी ले सकते हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक्सेल फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, हम एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब बात है कि सीट सिलेक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी डेटा आप कनेक्ट करते हैं किसी एक्सेल फाइल से, तो आप इंश्योर रहिए कि आपका डेटा जो है दो चीज होनी चाहिए। एक, अगर आपका हेडिंग पहले रो में होना चाहिए, किसी कारण से आपका हेडिंग पहला रो नहीं है, तो इंश्योर कीजिएगा कि वो डेटा टेबल फॉर्मेट में हो, तभी इसको रीड कर पाएगा, अदरवाइज रीड नहीं कर पाएगा। मैं डेटा को लोड कर लिया। अब जैसे डेटा लोड हुआ, आप देखिए सारे फील्ड्स यहां पे आ जाएंगे, और मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि फील्ड को आइडेंटिफाई करना, कौन सा नंबर है, कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा डेट है, हम सिंपल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सम ऑफ का साइन लगा है, इट मींस नंबर। जिसमें आपका कैलेंडर का टाइम लगा, आइकन लगा है, इट मींस डेट। और जिसका आगे कुछ भी लगा नहीं लगा, इसका मतलब वो टेक्स्ट है। आप ऐसे देख लीजिए, स्टेट आ गया और आपका आ गया सिटी। तो मैं चाहता हूं ये ज्योग्राफिकल हो, क्योंकि तो मैं इसको मैप चार्ट पे रखना चाहता हूं। हालांकि जब मैप चार्ट में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली रिडक्ट कर लेता है, अदरवाइज इसको कन्वर्ट आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो आगे आपको हम समझाएंगे। फिलहाल हम इस रिपोर्ट से, इस डेटा से एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं। तो एक बार डेटा को समझ लेते हैं। ये डेटा जो है सेल्स का डेटा है, कि किस सेल्स आईडी, किस डेट को, किस मोड में, कौन से कस्टमर की आईडी, कौन सा कस्टमर किस स्टेट और सिटी से, कौन सा प्रोडक्ट की आईडी, कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में, कितनी एमआरपी में। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट लिखा है, एमआरपी नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है रिनेम करके एमआरपी कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे डेटा को हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। सकते हैं। ओके, और बाकी टोटल अमाउंट, कितने कॉल्स किए गए और कितनी साइट्स है। चलिए इस पे एक इंफॉर्मेटिक डैशबोर्ड हम बनाते हैं। सबसे पहले टारगेट अचीव करते हैं, तो यहाँ पे हमने गेट चार्ट लिया और हमने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को रख दिया। दूसरा, अब क्वांटिटी रख लिया तो ये मिनिमम मैक्सिमम यहाँ इसकी सेटिंग होती है कि क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम होना चाहिए। अब एक और यहाँ पे लेते हैं और हम इसको इधर रख देते हैं, और इसमें हम टोटल कॉल्स डाल देते हैं कि कितनी क्वांटिटी कितने कॉल्स में की गई है। थोड़ा सा छोटा कर दीजिए क्योंकि नीचे और भी डेटा रखना है। ओके, उसके बाद मैं नेम प्राइस, टोटल रेवेन्यू, इसमें चाहिए ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उसके बाद नेम वाइज, ये हम कॉलम चाहते रहते हैं, कर्सर कॉलम, और इसमें हम क्वांटिटी रख देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ओके, ये हम कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना सेल्स मोड का, कि किस सेल्स मोड में कितना परसेंट हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, रेवेन्यू रेवेन्यू चाहिए, टोटल टोटल उठाते हैं या रखते हैं। डिटेल में साइड, ओ
साइट हमने गलत रख दिया, हमें साइट नहीं, हमें रखना चाहिए रेवेन्यू, टोटल को वैल्यू फील्ड में यहां पर रख सकते हैं पिवट की तरह बिल्कुल। फिल्टर भी काम करता है। उसके बाद इस चार्ट को हम लेते हैं, और इस पे हम साइट को रखते हैं, और किस साइट के लिए हमें कितना कॉल्स करना पड़ा है वो रख देते हैं। इसकी यहां से फॉर्मेटिंग में बैकग्राउंड को हम ऑफ कर देते हैं ताकि जो पीछे कट रहा था वो कटे ना। और उसके बाद हम यहाँ पे टेबल लेते हैं, और टेबल में हम प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी रखते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस के लिए यहाँ रिबन चार्ट को मैं यहाँ रखता हूँ, और यहाँ पे हम इसको डेट को यहाँ रख देते हैं और इसकी क्वांटिटी को यहाँ रखते हैं। और ये ईयरली है तो यहां से ड्रॉप डाउन होता है, इसको आप और इस तरह से हम कर सकते हैं मंथ एंड डे। या फिर इसको हटा के मैं लाइन चार्ट ही बेटर रहेगा, क्योंकि हमें फ्लो देखना है ना। यहाँ पे हम फ्लो ले लेते हैं, और यहाँ पे डेट, और यहाँ पे क्वांटिटी। ईयरली आ गया है, लेकिन हमें ईयरली नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैप चार्ट रखता हूं। तो मैप चार्ट में मैं अपना सिटी डालता हूं, सिटी, और सिटी के हिसाब से सेल्स। एक मिनट, क्वांटिटी को लेजेंड टूल टिप, ओ सॉरी मैं मैप चेंज करता हूँ, इसको क्वांटिटी को साइज में डालता हूँ। तो किस किस सिटी में सेल हुआ है उसका मैप यहाँ दिख जा रहा है। अंत में हम एक ट्री मैप चार्ट लेते हैं, और ट्री मैप चार्ट को लेते हैं, और इसको हम ऑक्यूपेशन दिखाना चाहते हैं किसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट वाइज कितना रेवेन्यू, कितना क्वांटिटी को ऑक्यूपाइड किया गया। राइट और इसके बाद इसको हम चाहते हैं मंथ वाइज फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये तो ओवरऑल का डेटा हुआ ना। बट प्रॉब्लम यही है कि अगर हम यहाँ स्लाइसर हमारे पास है, और स्लाइसर्स के अंदर हम डेट को रख देते हैं, इस तरह से डेट के हिसाब से आया हुआ, पर मैं चाहता हूं कि मंथ के हिसाब से आए, समझ रहे ना। आप इस तरह से इसको कम ज्यादा करेंगे तो रिपोर्ट का साइज बढ़ेगा, बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मंथली आए, बेटर रहेगा। तो इसके लिए हम अपने डेटा के अंदर में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, मतलब एक नया कॉलन ऐड करेंगे। तो यहीं पे न्यू कॉलन पे क्लिक किया,
अब मेरे पास मल्टी ईयर का डेटा, एक बार देख लेता हूं कि मल्टी ईयर का डेटा तो नहीं है। नहीं, एक ही साल का डेटा होता तो फिर हम दूसरा काम करते हैं, लेकिन एक ही साल का डेटा है। तो मैं यहां पे आ रहा हूं, मंथ का कॉलम, एक नया कैलकुलेटेड कॉलम, और यहां पे फॉर्मूला, हम इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे एक्सेल में करते थे। और यहां पे हमने कर दिया ट्रिपल टाइम एम, और वाई वाई देना चाहते हैं तो वाई दे दीजिए। इस तरह से मंथ इस फॉर्मेट में आ गया। आगे मैं इसको आता हूं और फिर स्पेस डालता हूं। स्लाइसर एक फिल्टर होता है, जैसे कि आपका पिवट में स्लाइसर कैसे होता है उस तरह से। इस मंथ को मैं यहां रख देता हूं, और ये जो इस तरह से दिख रहा है इसको सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन कर देता हूं, जहां पे मुझे सिलेक्शन करने की परमिशन दे। और जाहिर सी बात है आपका विदाउट हेडिंग कोई चार्टवर्ड कोई भी डैशबोर्ड होता नहीं है क्या। इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, यहां से टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखना चाहते लिखिए, यहां से साइज बढ़ा दीजिए, क्योंकि तो हेडिंग के साइज तो ज्यादा ही ना होगा सर। यहां आप बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और भी चीजें जो करना कर सकते हैं। हम लिख देते हैं सेल्स डैश बोर्ड ताकि पूरा दिखे। ये भी सही नहीं है तो इसको सिलेक्ट करके साइज थोड़ा सा कम कर लीजिए। और नीचे कुछ और डालना चाहते हैं छोटे साइज में, यहां लिखते हैं iptindia.com कंपनी नेम जो होता है, और इसको सिलेक्ट करके बोल्ड करने की जरूरत नहीं। कलर वलर भी फॉर्मेटिंग वगैरह भी जैसे एक्सेल पे करते हैं ऐसे फॉर्मेट होते हैं, हम फॉर्मेट कर सकते हैं। अब ये आपका डैशबोर्ड बनके तैयार है। को भेजना है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, होम में जाके इसको पब्लिश करना पड़ेगा। ये पावर बीआई पे चला, पावर बीआई पे जाने के बाद फिर इसको आप किसी को शेयर कर सकते हैं, या फिर इसको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट इन द पीडीएफ फॉर्मेट, तो आपकी रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्मेट में निकल के आ जाएगी। तो देखा हमने महज 15 मिनट के अंदर में एक अट्रैक्टिव माने कि ऑटोमेटेड और अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाकर तैयार कर दिया। समझे? और उतने ही कम टाइम में हम इसको हजारों लोगों को शेयर कर देंगे, जो भी हमारे ग्रुप में हमारे पावर बीआई ऑनलाइन सर्वर जो आगे मैं बताने वाला हूं उस पे होंगे, उतने लोगों को हम शेयर कर देंगे। क्लियर है जी? अब बात आती है इसमें अवेयरनेस की, समझे? अब मुझे आप बताइए कि जो मोबाइल फोन को मोबाइल फोन यूज करने के लिए आपको कहीं पे ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ी थी? नहीं सर। क्यों? रीजन ये था कि हम लोग देखते आए थे और प्रैक्टिस करते आए थे डेली, क्योंकि आपका मोबाइल आपके पास था और उस पर आप ज्यादा टाइम देते थे और आपकी अवेयरनेस ज्यादा थी उस पर। यस यस। सेम चीज अभी पावर बीआई पे। तो फिलहाल जो है आप लोग ऐसे ऐसे छोटे मोटे डैशबोर्ड्स बनाना शुरू करें। सर एक मेरा क्वेरी है, यहाँ से जो आप डेटा जैसे उठाए थे उसके बगल में जब आपने कुछ चेंजिंग कर रहे थे यहाँ पे, मुझे एक बार यहाँ से जैसे आपने डेटा उठा लिया और लेकिन उसके बगल में जब कुछ चेंजिंग करनी होती थी तो वो कॉलम के बारे में मुझे जानकारी लेनी थी। बताऊंगा आपको यहाँ से, जैसे आप जैसे डेटा पे जाएंगे ना, डेटा पे जाने के बाद यहाँ न्यू कॉलम आता है, उसके बाद इसमें अपने फॉर्मूले लगा सकते हैं। नहीं ये वाली नहीं है, एक बार आप उस चार्ट पे जाए, एक नया चार्ट लेते हैं, एक छोटा सा ले लेते हैं। ओके बताइए, एक चार्ट ले लीजिए कोई सा भी।
हाँ ये जो है एड डेटा फिल शेयर, एड फिल शेयर डेटा, ये नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे और नीचे 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 इसमें, क्या बोल रहे हो, इसकी बात कर रहे हैं आप? यस 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 सही है, जस्ट लाइक प्राइवेट है ना, जैसे प्राइवेट जस्ट के लाइक अंदर। प्राइवेट टेबल है सर, जैसे मुझे चार्ट चाहिए, मान लीजिए प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी रखेंगे, ओके 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 प्रोडक्ट को उठाकर यहाँ रखेंगे और क्वांटिटी को उठा के यहाँ रखेंगे, तो अपने आप यहाँ पर आप देखिए गलत हो गया ना, क्वांटिटी जो है जाना चाहिए था किसमें, वैल्यू में, तो गलती से आप यहाँ आ गए, ऑटोमेटिक नहीं पिक किया उसने क्वांटिटी को, क्योंकि ओके समझ गया ना, क्वांटिटी को उठा के आप इसको ऐसे वैल्यू में भी रख सकते हैं, ऐसे पिवट टेबल हो। ओके ओके आई नो सर। सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ दे मारिए। सर एक ऐसा कोई डैशबोर्ड सर दिखा दीजिए जो थोड़ा सा, क्योंकि ये तो सिंपल में ड्रॉप डाउन जो एक्चुअल में डैशबोर्ड बनाए जाते हैं, जो एक्सेलेंट डैशबोर्ड होते हैं, एक बार सर वो देखना चाहता हूँ सर। मतलब एक्चुअल में एक्सेल नहीं सर, एक ऐसा डैशबोर्ड देखना चाहते हैं। ये तो सर सिंपल ड्रॉप डाउन वाले हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कंपनीज में थोड़ा, क्योंकि अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये सिंपल डैशबोर्ड की नहीं होगी, वो कुछ अलग तरह का डैशबोर्ड होगा। कंपनी की रिक्वायरमेंट, देख डैशबोर्ड तो ऐसा ही बनेगा जो आपके सामने दिख रहा है, जी इसमें जो हमने फिल्टर लगाया, ये फिल्टर लगाया किसके लिए, अब जैसे मान लीजिए मैं चेंज कर रहा हूँ अगस्त, तो मेरी पूरी रिपोर्ट अगस्त के चेंज हो रही है, बिल्कुल सर। विजुलाइजेशन तो वही होगा जो मैंने यूज किया हुआ, अच्छा बट डेटा आपका इतना सिंपल नहीं होगा जितना सिंपल यहाँ है, इसके लिए आपको कई सारे डेटा को कनेक्ट करना होगा, कई सारे डेटा पे निकाल, डैशबोर्ड तो इसी तरह का बनेगा, अच्छा समझ गए ना, डैशबोर्ड में तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये मल्टी पीरियड का डेटा है, लेकिन मल्टी पीरियड का डेटा हमेशा नहीं होता है, जी आपको सिंगल माला की मंथली रिपोर्ट भेजनी है तो आपके पास एक ही महीना का डेटा आया हुआ है, बट डेटा इज नॉट ए गुड, सिंपल नहीं। और दूसरी चीज है कि आप मान लीजिए कि मैं चाहता हूं, जैसे कि मैं यहां पे चाहता हूं, यहां पे मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं देखूं कि पर्सन बाई सेल देख, या यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ सिटी वाइज सेल देखना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ इसी देखना चाहता हूँ, मैं बाकी चीज नहीं करना चाहता हूँ, जी तो डैशबोर्ड तो बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे, अच्छा देखा यही डैशबोर्ड है, इसीलिए ना तो इतना इतना सिंपल है, और डेटा बेसिकली इसमें इसका फायदा क्या होता है कि आप कोई भी विजुलाइजेशन क्विकली बना सकते हो, इस तरह की डैशबोर्ड एक्सेल में बनाने में आपको कितना घंटा लगता है याद है आपको? सर, उसमें टाइम लगता है, है? टाइम तो लगता है उसमें, तो बहुत टाइम और लग भी आई जाता है। की यही सिंपलिटी है कि मेक ए डैशबोर्ड, अब जी एंड क्विकली इसी में इसकी फॉर्मेटिंग है, जैसे कि ये देखिए ये आपको दिखा ना सर, अब मुझे इसमें टारगेट ऐड करना है कि भाई मेरा टारगेट कहाँ है, तो इसके लिए हमें मेजर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अब कुछ लोग एवरेज मान लो किसी के पास टारगेट फिक्स है, इसका मान लीजिए टारगेट फिक्स है, टारगेट और मैंने यहाँ पे दे दिया कि इसका टारगेट जो है, इसका टारगेट है मान लीजिए 45,000, नहीं 45,000 नहीं 35 कर देता हूँ, ठीक है, टारगेट को हमने जनरेट किया, अब इस टारगेट को उठाऊंगा और इसके टारगेट वाले सेक्शंस में रखूंगा, तो ये आपको यहाँ पे टारगेट दिख जाएगा, दिख गया टारगेट सर, अभी टारगेट मैनुअल था, बट हो सकता है किसी और डेटा की कनेक्टिविटी काउंटिंग से आ जाए, मतलब कि कनेक्टिविटी से आ जाए, लुकअप से आ जाए, तो डैशबोर्ड जो दिख रहा है इसी तरह के डैशबोर्ड होंगे, डैशबोर्ड अलग थोड़ी, नहीं सर, डैशबोर्ड तो ऐसे बनेगा सर। सिटी है, अब सिटी है, अब जैसे कि सिटी में भी सिंध मान लीजिए, तो सिंध पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है ना, कुछ ऐसे लोकेशन जो है, अब पटना ही देख लीजिए, पटना पोलैंड में भी है और यहाँ भी है, तो वो क्या करेगा कि वो कभी कभी पोलैंड में उठा लेगा, तो लैंगिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह डालना होता है, जी तो वो चीजें हैं, तो ये भी इसी डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे, और इसका मेन जो होता है वो होता है फंक्शंस एंड पावर थ्योरी, जी डेटा को सिंपलाइज कर देता है, ओके जी सर चलिए, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, धीरे धीरे सीखेंगे, चिंता मत कीजिए, जी ऐसे डैशबोर्ड के सैंपल देखना है आपको ना सर, हाँ हाँ सर, सैंपल देखना सर। तो गूगल पे जाइए, पावर बीआई डैशबोर्ड सर्च कीजिए,
इमेज पे क्लिक कीजिए, दिख रहा है सर जी सर। डैशबोर्ड है, दिखाइए, ये दिख रहा है आपको सर, देखिए दिख रहा है सर। जी सर। ये डैशबोर्ड, इसको देखिए, ये पावर बी आई का डैशबोर्ड, रिपेयर डैशबोर्ड। ऊपर में नंबर्स दिख रहे हैं सर आपको, एक फंक्शनल हाँ सर। फॉर्मूले से आया हुआ है। और ये जो देख रहे हो कि ये चार्ट कैसे बन गया, तो इसके अकॉर्डिंग डेटा है। ये चार्ट कौन सा चार्ट है आपको, ये सिंपल चार्ट है, बट डेटा उसके अकॉर्डिंग था जिस तरह का आकृति बन गया। ये देख रहा है मैप, मैप दिख रहा है आपको सर, ये जी सर। दिख रहा है, तो ये पावर बी आई ऊपर दिख रहा होगा। तो जैसा डेटा उस तरह के चार्ट बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी डैशबोर्ड ही है, जी। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है पता है आपको सर, स्लाइस, गीली समझे। जी सर। तो बेसिकली होता क्या था, पावर बीआई बेनिफिट हुआ, जैसे कि अभी जैसे रिपोर्ट हमने बना लिया, राइट। अब जैसे कि ये तो मंथली है, लेकिन ये हो सकता है कि आपके ईयरली हो, मतलब कि ईयरली नहीं, मतलब कि टीम वाइज हो, राइट। 10 टीम है तो 10 टीम का डेटा आपको 10 डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। एक सिंगल 10 10 को नहीं भेज सकते, क्योंकि 10ों का डेटा, 10ों का सब चीज अलग अलग है, और समझ रहे हैं। जी सर। तो एक्सेल में आपको 10 अलग अलग फाइल क्रिएट करना पड़ता है ना सर, जी और अलग अलग फाइल में काफी टाइम लगता। सर। अब यहां आपको 10 फाइलें, 10 डैशबोर्ड अगर मैनुअली बनाना पड़ गया, ऑटोमेशन नहीं है, मैनुअली बनाना पड़ा गया, तो 1 घंटा बहुत है। जी सर। यही चीज है सर, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जी सर। कुछ डैशबोर्ड बना के भेजिए, ठीक है सर। ठीक है।